बिहाने 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 बिहाने। ए हो अजीत बबुआ, अरे कहाँ बाड़ा हो, देर हो गइल बा, प्रोग्राम शुरू करे के टाइम हो गइल बा। अरे का कहीं का भइल हां। अच्छा रुको, पहले रउआ सभे के बिहाने बिहाने प्रोग्राम में भोरे भोर विजया भारती के नमस्कार सुप्रभात। हमरो सब लोग का प्रणाम बा, अपना भौजी के छोड़ देवा के तरफ से। अभी रउआ सबसे बढ़िया से बात करत आनी, जरा इनकर हाल देख ली, का भइल बा, का शुरू शुरू। अरे रात दही खा लेनी हो, बस हो गइल बा सर्दी, पूरा बुखार उखार टाइप के एकदम हो गइल बा, देह भारी हो गइल बा पूरा। तो तू जे खैबो एक नदिया पुरान दही त नकिया तार कैसे ना बही बताव। अरे का कहियो, का उपाय करी, लागत टे जे हमर दम एकदम चढ़ल जाता भौजी, एकदम घुटत दम हमार, दम घुटत। हां और का होता, दहिया लागत कि गाला बैठल जाता सब। देखा बबुआ, देखिए ने आवा। अरे अरे देख, अरे देख, जादू बामरो भौजी के हाथ में, ई तो हमर मिजाज एकदम ठीक हो गई। हां एकदम ठीक हो गई, खाली छूला से मिजाज ठीक भइल बा, आ जना ताकत लगा के छूती तो और बढ़िया से ठीक हो जे। फिर ताकत लगा के छूबू तो हाथ गोर हमर सुटकी बाटे टूट जाए कहीं तो का होई। देख एक बात, अब हमार तू सुन ला, ज्यादा एने उने छिकला उकला से कि तबीयत के और जन बढ़िया करे के बा न, तो पहले अभी अब ज्यादा समय मत गंवाव, और सुनील जी बैठा बा उनका संगे हम सब देखत आनी योगा। बहने बहने देखे वाले सभी लोगों का हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम आपके बताए पतलापन, आप सोचो थे पतलापन यानी बहुत सारे लोग परेशान हुए, पतला हुआ, अंडर वेट हुआ, का करें, कैसन योग करें, कैसन खान पान करें जिससे उनका प्रॉब्लम जो है दूर हो जाए। जो भी लोग पतला होंगे का करे के चाहिए, देखे कोशिश करे के चाहे शहद, हनी जौन होला, शहद उनके जरूर रोज खाए के चाहिए। 4 से 6 बादाम रोज रात के भिगा के उनके सेवन करे के चाहिए। ओकरे अलावा प्रातःकाल दूध में 2 केला मिला के, केला बेस्ट सोर्स होला, आपका वेट एकदम बढ़ जाए। प्रातःकाल रोज दूध में आप केला मैश करें ओके खाएं, भुना हुआ चना गुड़ के साथ खाएं, उससे बहुत लाभ हुई। ओकरे अलावा कई बार ये देखल गया जो लोग पतला होना उनके पेट में कीड़ा भी होला, अगर वो कीड़े की प्रॉब्लम पहले अगर दूर कर ली तो उनके ये जो प्रॉब्लम है पतलापन का दूर हो जाए। उसके अलावा हम आपके बताओ थे योग के कुछ चीज़ें, योग के कुछ ऐसे आसन और एक श्यास थेरेपी बताए जो बहुत अच्छी है, रामबाण का काम करेगा। जिनके भी पतला के प्रॉब्लम हो, आपके लगा तो भाई हमके पतला का प्रॉब्लम हो गया, उनके का करे के चाहे जो पर्टिकुलर भाग है ये करा सोलर एनर्जी हमारी बॉडी का, दोनों हाथ में एक एक मिनट आपके प्रेस करे के चाहिए। कोई भी एक्यूप्रेशर जोन पॉइंट होला, एक एक पॉइंट आपके 20-20 बीमारी में लाभप्रद होला। तो आप कभी सोचेंगे पहले बतौले नहीं कुछ और पॉइंट है, कुछ और बताते हैं, तो ये आप समझ लें एक के आपके रोज एक एक मिनट रोज दबा के चाहिए दोनों हाथ में, ये पर्टिकुलर भाग ये सोलर कहलाला, ऊर्जा कहलाला, ये जोन भाग है, एक तो आपके एक जरूर प्रैक्टिस करे के चाहिए। उसके अलावा हम आपके योग को कुछ आसन बताओ थे, योग का जो पहला आसन है कहलाला सर्वांग आसन, ऐसा आसन जो पूरे शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग का व्यायाम होला वो कहलाला सर्वांग आसन। सर्वांग आसन कैसे करे के है, मन का करे के है, पीठ के बल आपके लेट जाए के है, थोड़ा योग का मुश्किल आसन है, पीठ के बल आप लेट जाइए, उसके बाद धीरे धीरे अपने पूरे पैरों के ऊपर उठाइए अपने हाथ का सहारा लेकर, और जितनी देर आप आसानी पूर्वक रोक सके ना रुकिए, अगर आपके लगा तो ना रुक पावत हूँ धीरे धीरे वापस आ जाइए, ये कहलाला सर्वांग आसन। तो रवरा देखिए जैसे कैसे करा जाला सर्वांग आसन, पैर उठौनी सर्वांग आसन कम से कम आपके एक बार एक जरूर अभ्यास करे के चाहिए। कोशिश आपके करे के है कि जब भी आप सर्वांग आसन का अभ्यास करें उकरे बाद आपके शवासन जरूर करे के चाहिए, उसे कहला ब्लड का जो सर्कुलेशन होला आपके आँख गले सब जगह आ जाला, अगर आप शवासन ना करें तो आपके नुकसान हो जाए। सर्वांग आसन से कहा होला इंडोक्राइन हमारे जो ग्लैंड होना बॉडी में एक अलग अलग ग्लैंड होना वो एक्टिवेट हो जाना। उसके अलावा दूसरा जो नाम आपके आसन बताते हैं वो जो आसन कहा
वो कैसे करे के है? उमन का करे के है कि हम मतलब श्यास क्रिया है आसन ना है, उमन आपके का करे के है? ये जो अंगूठे के पर्टिकुलर भाग हुई हमारे ब्रेन है, वह पिट्यूटरी ग्लैंड हो, जो मास्टर ये पीनियल ग्लैंड हो, ये क्या आपके रोज प्रेस करे क्या? देखा देखा तो आप बाएं हाथ दाएं हाथ दोनों ओर पूरा आपके प्रेस करे क्या नीचे, ये पर्टिकुलर भाग, ये ब्रेन का भाग है, ये क्या आपके प्रेस करे क्या? ऐसे भी कहा ग्लैंड एक्टिवेट हो जाइए, जो ना आपके प्रॉब्लम है, कई बार ग्लैंड काम ना करें ना पतलापन रह जाला, अगर आप एक अभ्यास करें तो उससे आपका प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो जो ना हम आपके बतौले हैं योग का आसन, कुछ हम आपके श्यास थेरेपी बतौले हैं, अगर आप एक निरंतर अभ्यास करें तो आप देखें आपके जो प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी। अगले प्रोग्राम में आप किसी और विषय के बारे में बताएं, तब तक आप सभी हमें इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। आप सभी लोगों का हमारा बहुत बहुत नमस्कार। हाँ तो भौजी योगा कैसन लागल है? हमरा तो निमन लगते बा, लेकिन रौरा कैसन लागत आज ही बताई। आज भौजी के देवर के बड़ा बढ़िया योगा लागल है करके। योगा में ऐसा उपाय बा ना कि कोनो तरह के शरीर में अस्वस्थता रहे, चाहे सर्दी जुकाम भी कहे ना रहे। हाँ। योगा कैला से ओकरो पर असर पड़ेगा, पूरा शरीर के एकदम फिट कर देला। हाँ। हाँ। लेकिन लागत है कि तो मेहनत जोन जोन चीज में बा ओकरा में कतना समझाए कि कोताही धैले बा अजीत बाबू के तरफ से। अच्छा ठीक बा, एगो चीज में हम कोताही भौजी ना करेनी, उ काम ई बा के गीत गौनई जब भी हमनी के आंगन में होला बिहाने बिहाने के, हमारा बड़ा मजा आवेला। तो बुझा तरु के देवर का कही आज किकरा के बुलावा तरु गीत सुनावे खातिर। तो जो काम में इनका हाथ पर हिलावे डुलावे के बाना, बैठल बैठल कान से आंख से खाली आनंद उठा के बा, तो वही से तो इनका नाम बा अजीत आनंद, काहे ना इनका मजा आई। लेकिन गीत संगीत में आनंद सबके आवेला, हमरा बहुत आवेला, रवो सबके बहुत अच्छा लगेला, ये चलते आज बड़ा दमदार गायक के आमंत्रण देले बानी हमनी के। और उनका नाम बता दो, नाम बता। तो आज जे गायक आवे वाला बाड़न उनका नाम बा रविंदर राजू। हमारा के पिठा दनई हरवाए बलमू जी, हमारा के पिठा दनई हरवाए बलमू जी, अब की छोड़ के जाइब हम के जो हो, अब की छोड़ के जाइब हम के जो बहरवाए बलमू जी, हमारा के पिठा दनई हरवाए हमारा के पेठा दनई हरवाए बलम जी। चढ़ली जवानी बाया किले ना रहाला, तोहर माई बाबू के बोली ना सहाला, हमारा के पेठा दनई हरवाए बलम जी, हमारा के पेठा दनई हरवाए बलम जी, अब की छोड़ के जाइब हम के जो हो, अब की छोड़ के जाइब हम के जो बहरवाए बलम जी, हमारा के पेठा दनई हरवाए बलम हमारा के पेठा दनई हरवाए बलम जी, हमारा के पेठा दनई हरवाए बलम जी। जैसे कि किसमिस छोहारा में काजू, वैसे ही भोजपुरी लोकगीत में एगो नाम बा रविंदर राजू। रविंदर जी राउर बहुत 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 स्वागत बा सांस में, बहुत बहुत प्रणाम बा भौजी के हमरा तरफ से। कहाँ से बानी रुआ? गांव जी बलिया डिस्ट्रिक्ट से।
अच्छा बलिया जिला डिस्ट्रिक्ट में बलिया जिला में भरौली गांव पड़ेगा यूपी बिहार के बॉर्डर में अच्छा बक्सर के करीब। रविंदर भैया हम सुनले बानी भौजी सुनले बिया कि रविंदर जी देवी गीत जब गावे ले तो लागे ला कि माई चल दिले बड़ी तो हमने के साथ साथ दर्शक लोग भी चाहता कि रविंदर भाई आइल बड़े बिहाने बिहाने के आंगन में चुप बानी हम अब चुप रहता नहीं पहले तू चुप रह अब भैया का गीत सुनल जा। हर शीतला भवानी के जब रथ चले ठीके दुपहरियान हो हर शीतला भवानी के जब रथ चले ठीके दुपहरियान हो छन न 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 बाजे पैजनिया बाजे पैजनिया शीतला भवानी के जब रथ चले ठीके दुपहरियान हो छन न 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 बाजे पैजनिया छन न 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 बाजे पैजनिया हर बेला फूलवा झरेला अपने मारे झकोरेला बाई मैया आवत बानी बेला फूलवा झरेला अपने मारे झकोरेला बाई मैया आवत बानी फूलयड़ फूलवा झरेला अपने झाड़ी पतैया ले राही मैया आवत बानी बाज गई लो मैया के पैजनिया एकदम मैया के पैजनिया बाज गई लो और एकदम भक्ति भावना से बन भर गई कि कितना एल्बम निकल चुकल हुई अभी तक ले जी अब तक 52 गो एल्बम गा चुकल बनी हम अच्छा जी 16 एल्बम टी सीरीज से हां दो गो एल्बम एचएमवी से भी गोले बनी बाकी सब लोकल कंपनी वेव रामा तमाम कैसेट तो सब लोकगीत के पा भोजपुरी लोकगीत जी भोजपुरी लोकगीत बलम जी अलार और बहुत हिट भई रहुए जी है ना जी अच्छा अच्छा तो हमने के चाहत ने से एक और कोनो हमरा टाइप के कोनो गीत हो जाए जो तोहरा से प्यार करी हम बार बार करी अखिया में तोह के हो हर अखिया में तोह के बसावल करी के रानी रूसल कर हम मनावल करी रानी रूसल कर हम मनावल करी तोहरा से प्यार करी हम बार बार करी तोहरा से प्यार करी हम बार बार करी अखिया में तोह के हो अखिया में तोह के बसावल करी रानी रूसल कर हम मनावल करी रानी रूसल कर हम मनावल करी नियारा बुलाई ला तो दूरे दूरे भागलू दूरे से जाके फेरू कन खी पर ताकिलू नियारा बुलाई ला तो दूरे दूरे भागलू दूरे से जाके फेरू कन खी पर ताकिलू हो कन खी पर ताकिलू दौड़ल दौड़ल पिठिया के
अपना बहियन में उठा के दौड़ल दौड़ल पिठिया के अपना बहियन में उठा के कोरा में झुलुआ हो कोरा में झुलुआ झुलावल करी रानी रूसल कर हम मनावल करी रानी रूसल कर हम मनावल करी रविंदर जी तो कहनी है भौजी की रानी रूसल कर हम मनावल करी या हम कहते नहीं कि भौजी तू रूसल कर हम मनावल करी ऐसने चटपटा सब गीत लेके एकदम रहुआ आए फिर से इतना अच्छा हो गई आज के हमारे बिहान और हम दर्शक सबके भी एकरा खातिर राउर बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद का अजीत बाबू का हाल बाबू एकदम मन एकदम हमार गदगद हो गई है रविंदर राजू जी के गीत सुन के मगर सही में तू कहाँ कहाँ से इतना बढ़िया बढ़िया गायक बुला देते रहू तबियत और ठीक भइल कि ना तहार तबियत एकदम मस्त हो गई बा तनी मनी के कमी रह गई बटे भौजी जी रोज हमनी के रउआ लोग के साथे घुमावे ले लिया चल के दर्शन करावे ले जगह जगह पर यात्रा करावे ली हम कहनी यात्रा तो हमने डांट दिली कि ये यात्रा नानू कहल जाला यात्रा कहल जाला तो चलो तनी से इंकरा हिसाब से कौना यात्रा पर लिया चल तनी इंकरे जुबानी सुना तनी सा तो अभी हम रउआ सबे के ले चला तानी घुमावे फिराए खातिर हम भौजी से पूछो तनी कि आज भौजी कहाँ लिया चलता रू घुमावे के हरदम कतना बताई हो कभी अपनो दिमाग से तो समझ ले कर रउआ सबे के हम यात्रा पर ले चला तानी लेकिन कहाँ ले चला तानी वो रउआ सब अपने देख के समझ जाए अयोध्या रामनगरी उत्तर प्रदेश के एगो मुख्य तीर्थ स्थल हो कहल जाला कि पवित्र पौराणिक नदी सरयू के किनारे देवता लोग अयोध्या नगरी के निर्माण कैले रहले और एकरा के मनुपुत्र इच्छा को आपन राजधानी बनौले कहल जाला कि यह पवित्र सरयू नदी हो जहां भगवान राम आपन जीवन बितैले इस नदी में स्नान कर पूजा पाठ कैले से लोग के मोक्ष के प्राप्ति होखेला पुराण में भी एकर महात्म्य के बतायल गईल बा कहल जाला कि इस नदी में स्नान कैले बिना केहू के तीर्थ यात्रा पूर्ण ना होखेले भक्त लोग सरयू के जल में स्नान कर राम पौड़ी पर मनोकामना मांगेले श्री राम पौड़ी में स्नान कैला के बाद भक्त लोग सबसे पहले प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन करेले ई मंदिर में भगवान भोलेनाथ के पूजा कैल जाला कहल जाला कि राजा विक्रमादित्य जब अयोध्या के खोज कैले रहले तब राजा के सबूत के तौर पर खाली यह मंदिर मिलल जवन श्री राम के जन्मभूमि के गवाही देलक भगवान श्री राम के नगरी में अंजनी पुत्र हनुमान के मंदिर ना हो ई कैसे हो सकेला कहल जाला कि जब श्री राम सरयू नदी में समाधि लेवे जात रहले तब हनुमान जी कहले हे प्रभु अब हम का करी तब श्री राम जी कहले हे हनुमान तोहरा अमरत्व तो प्राप्त बा एजा तू अयोध्या में रहा और यहाँ आवे वाला सभी भक्तन के मनोरथ के पूरा करा तब ऐसे श्री राम भक्त हनुमान यहाँ राम भक्त के कष्ट दूर करे खातिर विराजमान बाड़े जिकरा के हनुमान गढ़ी कहल जाला कि यहाँ हर मनोकामना पूरा होखेला हनुमान जी के दर्शन करे के बाद लोग दशरथ दरबार के दर्शन करेला जहाँ राम जी आपन पूरा परिवार के साथ विराजल बाड़ी यहाँ काला शालीमार शिला से निर्मित राम जी के मूर्ति हो जौन अद्भुत लागेला अयोध्या नगरी में श्री राम के नाम चाहूं ओर भक्ति के संचार कर भक्तन के आस्था के
अधीन कर देवेला। तो भौजी मिजाज एकदम गदगद हो गई मंदिर देख के, एकदम भक्तिमय हो गई हम बिल्कुल। हमरा तो एगो चीज और तहरा से मिलत जुलत वहाँ नजर आई। का लगल हो? गाड़ी से स्टेशन पर उतरनी है, होने देवार पर बंदर कूदत रहे, होने कूदत रहे। बहुत तेज आप बनती हैं, ये बताइए कि आप बंदर की भौजाई हैं? हूँ तो नहीं मैं, लेकिन बनना पड़ा, क्या करें। हार गईली, हार गईली। चाहत नहीं कि हारना पर से कहीं के चिट्ठी पत्री जल्दी पढ़ के सुनावा। दर्शक लोग बड़ा इंतजार में बैठे की हमारे चिट्ठी पहुंचल के। रउआ सभे बिहाने बिहाने कार्यक्रम देखी और अपन प्रतिक्रिया जौन रउआ के मन में उठे तौन भेजी, और चिट्ठी पढ़े भेजे खातिर हम पता बताए। अभी हम राउर चिट्ठी पढ़त आई। ई चिट्ठी आइल बा गया से। गया? गया से बा रीमा जी के। का कहता रे रीमा? रीमा जी के कहना बा कि राउर जौन द्वार बा जहाँ बैठ के रउआ सभी प्रोग्राम करता नहीं, वो हमरा बहुत अच्छा लागेला। और इहो पता लागल है कि ओकरा पर सजावल वो जोन चित्रकारी बा, अच्छा वो रौरा के हाथ के बनल बा। अरे हमार भौजी एमए पढ़ल है, आप लोग जानते हैं ना कि एमए पढ़ल भौजी सब कुछ जानती है, डॉक्टर भी है। तो रीमा जी एकरा में कोनो ही बात नहीं खे, अपन गाँव घर अपन माटी से लिपल अंगना द्वार अच्छा लागेला। रौरो के अगर अच्छा लगे तो ऐसा अपना घर के सजाए का हो। और अब बारी आ गई बटे हमारा भौजी के एकदम डॉक्टरी करे के, चूंकि ऑल इन वन हम पढ़ले बनी जी जेकरा में सब गुण भरल होके एगो देह में, वो हमारे भौजी भी ऑल इन वन। तो ये डॉक्टर भौजी से हम पूछे के चाहता नहीं कि अपने से रोग बता के अपने से ओकर दवाई ओकर उपचारो बता दो। तो अगर ककरो दांत से मसूड़ा से खून आवे, ए सुन ला पहले डॉक्टरी करे का पहले सुन ला, दांतवा गोविंदा खानी लागेला हसे नहीं तो। बाप रे बाप, बताई कि केकरा खानी लागेला। अगर दांत से मसूड़ा से खून आए तब पाकल टमाटर खैला से ये समस्या दूर हो जाला और खून निकलल मसूड़ा से बंद हो जाला। खून निकलल भी बंद हो जाला, लेकिन साथ साथ लागत अटे कि हमनियों की दौरी दुकान प्रोग्राम वाला बंद करे के परे, बिहाने मैंने कार्यक्रम खत्म करे के टाइम आ गल बटे। आप भौजी के साथ जा तनी, रोज तो कहबे कर ली कि इतना ठूस लेता रह, तो जा तनी ढूंसे उड़े चार पाँच गो रोटी बनवाएम, हतना भात बनवाएम, तब तक खाती सब लोग से टूटता, देह में दही जमता, तबीयत खराब बा, लेकिन ठुसनाई में हुरनाई में कोनो कमी नहीं की। खाए में कोनो कमी होके के ना चाहिए, खाए में तबे नुहे जी आके रोज बिहाने बिहाने में रोलो के साथे बैठ के प्रोग्राम करन। अच्छा, हो खाए खातिर, कुछ आदमी ना जिए खातिर खाला, आ हमार जो अजीत बाबू बारन ना खाए खातिर जियेलन, तब का करिए। तो हमरा चल ही के पड़ी रहो सब के जाए के हुई, तो काल यही समय में यही घड़ी यही जगह पर यही बीमरिया है आदमी के साथ में बैठ के रउआ सबसे मुलाकात हुई, कोनो बढ़िया गीत संगीत के इंतजाम के साथ। तब तक रउआ सबे हम विजया भारती के, हम अपना भौजी का छोटा देव और अजीत आनंद के तरफ से नमस्कार।